जी नादरीन, मैं इस वक्त जो है मशहूर जमाना शाही किला में मौजूद हूँ और मेरी बैक साइड के ऊपर आप जो सीढ़ियों पर टीवी देख रहे हैं, आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है बादशाह सलामत जो है गेट पे जाया करता था। ये वो रास्ता है जहाँ से वो हाथी पे सवार होकर नीचे स्विमिंग पूल में आया करते थे और वाईफाई का कनेक्शन देते। और ये दीवार और दरों दीवार आप देख रहे हैं, छोटी छोटी खिड़कियां देख रही है। आइए मैं आपको नादरीन पीछे का बैक साइड दिखाता हूँ। ये है वो रास्ता जहाँ पर हाथी पे सवारों के बादशाह सलामत आया करते थे। ये है वो पिकनिक पॉइंट जहाँ पर बैठकर जो है अनारकली के साथ जो है चाय का कप पिया करते थे। ये बहुत ही मशहूर जमाना तारीखी किला है। और आपको सामने जो है मेरे आपको सामने जो नजर आ रहा होगा, वो सामने ऊपर वो अनारकली के लिए शीश महल बनाया था बादशाह सलामत ने, जबकि उनके पास खजाने की कोई कमी नहीं थी। बहुत कुछ बना सकते थे, हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते थे, हमारी गुर्बत मिटा सकते थे, हमें इजी लोड फराहम कर सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं और ये मशहूर जमाना शाही किला बना दिया। अभी इस दीवारों की ऊंचाई देखें, हम क्या करें इन ऊंचाइयों का, क्या करें, कूद जाए, खुदकुशी कर लें, क्या करें। इस नौजवान कौम के लिए बादशाह सलामत ने कुछ नहीं सोचा। तो नादरीन, ये वो एंट्रेंस गेट है जहां से ये मशहूर जमाना शाही किला शुरू होता है। आपको आगे ब्रिज नजर आ रहा होगा जहां पर वो खड़े होकर काशन दिया करते थे अनारकली को, और जो है वहां पर फुल सिग्नल आया करते थे। व्हाट्सएप पे उनका नंबर लिया उन्होंने, वहां से उन्होंने सेटिंग शुरू करी और उसके बाद उनकी एक मोहब्बत भरी दास्तान शुरू हो गई। उस जमाने में ऐशो अशरत के बहुत मशहूर जमाना बादशाह सलामत, उन्होंने सिर्फ यही काम किया, आज की नौजवान नस्ल के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या छोड़ा, वो देख तो जमीन के अंदर हर थी, वो कहां गई हमारे लिए। आज हम मुल्क का नौजवान जो परेशान है, क्या करे, रोटी रोजी कपड़ा मकान क्या करे। तो नादरीन, ये है वो शाही किला जिसको सिर्फ दरो दीवार को देख ही सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नादरीन, ये वो दो है जो बादशाह सलामत के साले थे उस वक्त, जो इन्होंने अनारकली की सेटिंग खराब करी थी, और यही वो दो नौजवान है जिनको यहाँ पर पत्थरों का मुजस्मा बना दिया है और यहाँ पर ये हर वक्त यहाँ पर खड़े रहते हैं। नादरीन, आगे चलते हैं। बस इस रेत के ऊपर करीम की सर्विस अवेलेबल नहीं थी उस जमाने के अंदर। बादशाह सलामत बहुत परेशान थे, हाथी कमजोर हो चुके थे, तो बादशाह सलामत ने सोचा कि बाइकिया की सर्विस स्टार्ट की जाए। उस जमाने में बाइकिया मशहूर है जमाना, बाइका पे बैठकर इस रोड के ऊपर सैरो तफरी किया करते थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आज इस जमाने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस वक्त सोच लेते बादशाह सलामत के आने वाली जो नस्लें हैं उन क्या छोड़ के जा रहा हूँ, तो शायद आज हमारी कौम तरक्की कर सकती। तो नादरीन, ये वो दरो दीवार है, इनको बेच के हम क्या करें, क्या हम मुल्क का कर्जा उतार दें। बस ये जगह सैरो तफरी के लिए रह गई है, यहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज से, तस्वीरें बनवाते हैं, देखते हैं जगह। ये देखें इस नौजवान, हमारे मुल्क के इस नौजवान का हाल देखें ना क्या हो गया है। बताओ बेटा कहाँ से आए हो आपको इस दुनिया के 252 मुल्क देखा से आए हो आप? अनारकली से। क्या देखने आए हो इधर आप? कुछ नहीं देखने आए, ये इधर टाइम पास करने के लिए आए। बताओ इनकी उम्र है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7 क्लास में ये पढ़ते हैं और कुछ नहीं करने इधर आए। बड़े हुए क्या करोगे आप? आर्मी में बनेंगे, और अभी बोलने में कुछ नहीं करता हूँ। तो आर्मी में जब जाओगे बेटा तो कुछ पढ़े लिखोगे भी या ऐसे ही चले जाओगे? पढ़ेंगे तो पढ़ तो रही नहीं हो तुम, यहाँ पर आए हो घूमने फिरने के लिए? नहीं। क्या पढ़ोगे मुझे बताओ? आर्मी में बनोगे तो आर्मी में जाओगे करोगे क्या? खड्डे कूदोगे, फिर बंदूक उठाओगे, चौकी संभालोगे? आप भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ ना। देखो बादशाह सलामत ने इतना बड़ा ये जो किला बनाया है, फिर मुंह करके दो, ये किला बनाया बेटा, आप बड़े हुए क्या बनाओगे? बादशाह सलामत ने अपनी महबूबा के लिए अनार के लिए कितना बड़ा शीश महल बनाया, आप क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं है, बच्चा फारिग है भाई। इधर ये है हमारे मुल्क के वो नौजवान असलम अंसारी साहब, हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, ताल्लुक इनका ये, इनको बुलाता हूँ, ये कैसा महसूस कर रहे हैं शाही किला पहुँच कर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असलम अंसारी साहब, आप बताएं इस वक्त आपको 252 ममालिक देख रहे हैं, आप बताएं कि शाही किला में मौजूद आप इनसे घूम के देखकर चंकी लगे घूम, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेकार सा महसूस कर रहा हूँ, गजब बेइज्जती है। जी नाज़रीन, ये वीडियो मैंने जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बनाई है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक अपना बहुत